परफॉर्मेंस बाय वाशिंगटन सुंदर लाजवाब जानदार इनिंग में और पहले दिन का पिच आइए बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये तीसरे चौथे पांचवें दिन के पिच पर जाके परफॉर्मेंस आई है पहले ही दिन की पिच पे सात खिलाड़ी आउट करना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है तो वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है उससे जस्टिफाई किया कि इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और अश्विन की प्रेजेंस में पहली तीन विकेट अश्विन लेके गया लग रहा था कि अश्विन भाई को गुस्सा चढ़ गया कि ऑफ स्पिनर की क्या जरूरत थी जबकि मैं आउट कर रहा हूं इतने सारे लेकिन बाकी की सात की सात विकेटें वो लेके गया और बीच में दो तीन तो ऐसे खूबसूरत आउट किए उसने रचिन रविंद्रा ब्लंडल वगैरह को जो बोल्ड किया और सऊदी को भी अभी उसको भी समझ एक और बोल्ड किया आखिरी वाला भी तो ही इज अमेजिंग शानदार बेहतरीन शानदार और सेटनर दूसरा नहीं आउट हुआ आउट भी सेटनर सेटनर को किया और वहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या कहानी है गंभीर चलो उसके चेहरे पे भी थोड़ी सी खुशी वापस आई है तो इसको बोलते हैं कि अपनी आंखें खुली रखना एक मैच हारे ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा स्क्वाड में नहीं था उसको लेके आए और फिर डायरेक्ट उसको प्लेइंग एलेवन में उतारा और फिर उस बंदे की बिल्ली शाबाशी है कि उसने ऐसी शानदार रोहित शर्मा ही सुपर प्राउड उसको थपकी दे रहा है हर बंदा उसे जब भी डाल रहा है गेंद उसके हवाले किया है कि भाई जान ये गेंद आपका हुआ आप इसको संभालें आपने कर दिया कमाल सात खिलाड़ी आउट किए हैं और शानदार परफॉर्मेंस और गेंद को पकड़ के बाहर जा रहा है वही लीड कर रहा है बाहर जाते जाते भी बनता भी है उसका सात खिलाड़ी आउट किए और पहले दिन की पिच पे पहले दिन की पिच पे दूसरे तीसरे चौथे दिन में ऑब्वियसली इट बिकम्स ईजियर टू टेक विकेट्स लेकिन भाई इसने बंदे ने कर दिया कमाल और गंभीर के चेहरे पे भी शाबाशी तालियां बजा रहा है यहाँ जी तूने जो है अब लोग बोलेंगे कि देखें वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ होगी साथ में गंभीर की भी तारीफ होगी यहाँ क्या प्लान बनाया है क्या सोचा है बीच आ, सीरीज के फैसला किया कि यहां जी इसको डालें और उसने पहले ही मैच की पहले ही इनिंग के पहले ही दिन अपना जो इम्पैक्ट है ऐसा दिखाया कि वाह कमाल हो गया जी और बेहतरीन और शानदार और लाजवाब परफॉर्मेंस 24 में ओवर के अंदर सात खिलाड़ी आउट 59 नाइन देके ढाई की इकोनॉमी प्रेशर भी बना के रखा तो एक्सीलेंट जो तीन विकेट के नुकसान पे 197 पे खड़ा हुआ था न्यूजीलैंड और ऐसा लग रहा था कि यहां से अभी तो सिर्फ तीन विकेट गिरी हुई है रचिन रविंद्रा तो अभी ग्रूव में आ रहा है अभी तो वो गरम होना शुरू हो रहा है अभी तो और डैमेज प्रोवाइड करेगा लेकिन लास्ट लास्ट Uh, क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट सात विकेट जिसमें रचन रविंद्र का विकेट था पैसठ रन के ऊपर गिरी और एक इसमें चीफ डिस्ट्रॉयर और वो डिस्ट्रॉयर का नाम था वॉशिंगन सुंदर जो कि मैच में कुलदीप यादव के के एक्सपेंस ऊपर रेड बॉल क्रिकेट की बात करें व्हाइट दोनों में बात करें तो वाशिंद सुंदर की इमेज ये है कुलदीप यादव के सामने कि यार ये बैटर तो बड़ा जबरदस्त है लेकिन शायद वो वाली बॉलिंग में वो वाला परफॉर्मेंस आपको ना दे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुई है सिलेक्शन सुबह और जब ये ग्यारह अनाउंस हुई रोहित शर्मा ने बताया कि तीन हम चेंजेस कर रहे हैं जिसमें वॉशिंगन सुंदर कुलदीप यादव की शक्ल में सो बहुत सारे लोगों का ख्याल गया कि बेंगलुरु में जल्दी आउट हो गए तो वहां आपने आपने बैटिंग को कर कर लिया और या बॉलिंग को आपने या वीकन अप कर दिया कुलदीप यादव को बिठा दिया और जब आपके पास अश्विन और जडेजा हो जहाँ अश्विन तीन विकेट ऑलरेडी लेके बैठे हुए हो वहां उसमें वॉशिंगटन सुंदर आए वो एक खूबसूरत बॉल रचन रविंद्र को जो किया गया चेंज ऑफ एंगल अराउंड द विकेट बॉल एंगलिंग इन पिचिंग द मिडिल स्टम एंड Uh, taking a sharp turn, very minimal turn but a sharp turn and uprooting the off-stump. That one trigger point collapsed New Zealand for last uh, seven wickets came for 65 runs. Washington Sundar has proved the selection right, uh, all within the space of couple of hours. टेस्ट मैच से पहले से चार टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है लेकिन जो आज परफॉर्मेंस डाली है अगेंस्ट अ वेरी कॉन्फिडेंट न्यूजीलैंड टीम जो एक रियलिटी है ना कि छत्तीस सालों बाद वो इंडिया से जीती है और एक कॉन्फिडेंस लेकर आई पहला विकेट गिर, गिर गया टॉम लेथम की शक्ल में दूसरी पार्टनरशिप लगी तीसरी फील्ड लगी तीन विकेटों के नुकसान पर हंड्रेड और वहां जो चौथा विकेट गिरता है फिर वहां से पलट के वॉशिंगटन सुंदर नहीं देखता पुट अप और यही जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं यही जो करेक्टर डिफाइनिंग टाइम्स होते हैं यही तो बताते हैं कि भाई साहब आप कितने तकड़े हैं आप में कितना दम खत्म है आप इस लेवल पर डिलीवर करने वाले

टू ब्रिंग आउट द बिग परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया हियर और वहीं जब वाशिंगटन सुंदर वो कोलैप्स को ट्रिगर करता है तो पहली चार पार्टनरशिप देखें 32 44 62 59 और उसके बाद जितनी पार्टनरशिप्स हैं चार रन तीन रन 32 रन 6 रन दस रन सात रन और यही आपको स्पेशियलिटी दिख रही है कि यहां इंडिया ने 259 पे ऑल आउट किया बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ऑल नमस्कार भारती पावर में आपका स्वागत है दोस्तों इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट फर्स्ट डे खत्म हो गया है और जिस तरीके से इंडियन टीम ने बॉलिंग की है वो बहुत तारीफ करने लायक है दोस्तों जब सुंदर का नाम प्लेइंग इलेवन में आया है और कुलदीप यादव को बाहर कर दिया गया है तो बहुत क्वेश्चन उठ रहा था और ये कहा जा रहा था कि इंडियन टीम जो है वो डिफेंसिव खेल रही है क्योंकि पिछले मैच में उनकी बैटिंग जो थी वो अच्छी नहीं हुई है उस वजह से टीम इंडिया डिफेंसिव खेल रही है और वाशिंगटन सुंदर को ले आई है क्योंकि वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं तो उस जो बातें चल रही थी जो क्रिटिसिज्म शुरुआत के जब शुरुआत के ओवर चल रहे थे तो जो कमेंट्री कर रहे थे वो लोग कर रहे थे लेकिन बाद में जब वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से रचिन रविंद्र को बोल्ड किया वो बहुत सुंदर बोल्ड था और उन्होंने जितने विकेट वो के लिए वो मैक्सिमम बोल्ड बोल्ड करके लिए हैं तो अगर आप हाईलाइट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उनकी बॉल थी वो कितनी जबरदस्त स्किट कर रही थी और जबरदस्त जगह पर गिर रही थी और उन्होंने जो विकेट लिया है सबके बोलती बंद हो गया है अब और चीज़ चल रहा था कि केएल राहुल खेलेंगे या सरफराज खान खेलेंगे तो फाइनली ये जो था प्रॉब्लम चल रहा था उसको विराम लग गया है सरफराज खान प्लेइंग इलेवन में है केएल राहुल को बाहर कर दिया गया है क्योंकि हम गिर फिट होकर फिर से वापस आ गए हैं दोस्तों जब सुंदर ने विकेट लिया तो एक और बात शुरू हो गई कि सुंदर जो है वो आर अश्विन के सच्चा उत्तराधिकारी है और जब आर अश्विन थर्टी ईयर के हैं तो जब वो रिटायर होंगे तो उनका जो जगह है वो सुंदर को भरना है तो आप देखिए कि एक मैच में एक इनिंग में किस तरीके से बातें चेंज हो गई जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो तारीफ करना कर दी। और एक के बाद एक लगातार सात विकेट ले लिए तो दोस्तों बेहतरीन बॉलिंग थी वॉशिंगटन सुंदर की आप वीडियो देखिए एंजॉय करिए धन्यवाद आपको मैंने बोला था वाशिंगटन सुंदर जो है वो इस मैच से नहीं पहले से कहा था

उसने बहुत बड़ी गलती की है रोहित शर्मा और गंभीर ने इसे खिला के साथ ले गया ये ना होता तो अच्छा भला न्यूजीलैंड पांच सौ ठोकता हिंदुस्तान आता इन्हें मौका मिलता अपने कलेजे की ठंड जैसे यहाँ पाकिस्तान की हार पे अपने कलेजे को ठंडा करते हैं लोगों को बात एक सौ अठारह पे छह से ढाई सौ में आठ आउट है तो वहां हम, मैच से वहां भी सेफली आपको मैं बता दूं और पंजा लगा गया साजिद चलो दैट्स गुड वेरी गुड लेकिन देखें

उसको बोल्ड कर देना उसको आउट कर देना ये कमाल सुंदर कर मैं अप्रिशिएट करता हूं गौतम गंभीर और टीम इंडिया कप्तान इंडिया का रोहित शर्मा जिसने पैनिक बटन दबा दिया अब आप बता दे पैनिक टप बटन देखे अंग्रेजी के लफ्ज हमसे ज्यादा किसी को नहीं आते होंगे पैंतीस साल इंग्लिश जर्नलिज्म की है तो हमें पता है कौन सा लफ्ज किस जगह पे इस्तेमाल करना होता है और किस जगह नहीं करना होता है इसको छोड़े बात ये मेरा भाई के कोई माई का लाल कुलदीप को बाहर ना करता कोई भी ना करता वो कहते नहीं नहीं ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है मैंने आपने मुझसे पूछा किसको तो मैंने कहा कुलदीप को बाहर होना चाहिए वो इसलिए आपने भी कहा कि कुलदीप ही को बाहर होना चाहिए पिछले मैच में देखें व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पिनर और अ फास्ट बॉलर और अ बैट्समैन देयर रोल इज टू परफॉर्म इन द गिवन कैपेसिटी इफ यू आर अ बॉलर आई वांट यू टू टेक विकेट्स आई डोंट माइंड इफ यू स्कोर फाइव रन